हेलो एवरीवन, रेंज ऑफ द फंक्शन सीरीज में दिस इज द लास्ट वीडियो एंड इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर टेक्निक टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस एंड दैट टेक्निक इज यूजिंग द डेरिवेटिव्स। तो अगर मुझे किसी फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है तो उसके लिए हम डेरिवेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, कंसेप्ट क्या है उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन ट्राई करे जाएंगे। तो प्लीज सी, सो सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द गिवन फंक्शन। ये एक फंक्शन है जिसकी मुझे रेंज फाइंड करनी है, तो हम करेंगे क्या, सिंपली इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। फाइंड एफ डैश एक्स और डी वाई बाई एक्स, तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। अब दो पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पे। फर्स्ट पॉइंट, ये जो डेरिवेटिव आएगा ना आपके पास एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू चेक करी जाएगी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। सो इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ए टू बी, लेट अस से, तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करा और ये पाया कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होता है, दिस इंप्लाइज दैट एफएक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। या डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग का मतलब हमें पता है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ वाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। एंड सिमिलरली द सेकंड पॉइंट इज If the derivative f dash x is less than or equal to zero, किसी particular interval c to d में, let us say, तो इसका मतलब ये होगा, this implies that f x is decreasing function in that interval. तो ये दो points हैं याद रखने लायक। ठीक है जी, तो कोई भी फंक्शन अगर मेरे सामने आएगा, मैं पहला स्टेप क्या करूंगा, डेरिवेटिव फाइंड करके ये पता करूंगा कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है। एक बार अगर मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चल गया तो उसकी हेल्प से इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड द रेंज। ठीक है, जैसे अगर सिंपल सी एग्जांपल लें, जैसे fx is equal to x square है, सपोज fx is equal to x square, फाइन, तो इसका मैं डेरिवेटिव अगर फाइंड करूंगा f'x, so the derivative is 2x, f dash x is 2x. तो चेक करते हैं कि डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी। तो अगर मुझे देखना है कि f dash x greater than or equal to 0 कहां पे होगा, for f dash x greater than or equal to 0 तो क्या करा जाएगा, 2x is greater than or equal to 0, इसका मतलब x is greater than or equal to 0, तो इसका मतलब जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव देखो कब होगी, फॉर एफ डैश एक्स टू बी नेगेटिव, इसका मतलब 2x को नेगेटिव कर देंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो ये पता चला जब भी x की वैल्यू नेगेटिव होगी ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इसका ग्राफ भी हमें पता ही ऑलरेडी, y = x² का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। या तो आप लोग देख पा रहे हो कि जब x की वैल्यू नेगेटिव है ये सारी x की वैल्यूज के लिए ग्राफ कैसे हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीजिंग है, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अगर एक बार मुझे पता चल गया कि भाई इस केस में वो इंक्रीजिंग है इस केस में डिक्रीजिंग है, तो हमेशा एक रफ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ से देख के रेंज बताई जा सकती है हमेशा। तो यहां से रेंज कितनी आ जाएगी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंसेप्ट है और इसकी हेल्प से ये कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके डन, ओके फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन fx = x² और x का इंटरवल दे रखा है -3 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो x² का ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं, कब पॉजिटिव होता है कब इंक्रीजिंग होता है कब डिक्रीजिंग होता है। तो यहां से देख के आई कैन टेल, सो x बिलोंग्स टू -3 टू 4 राइट, तो करेंगे क्या नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, हमें ये पता चल गया कि जीरो से पहले ये डिक्रीजिंग है जीरो के बाद इंक्रीजिंग है, तो मैं क्या करूंगा ना, यहां पे मैं एक्स एक्सिस प्लॉट कर रहा हूं, तो पूरा ग्राफ बनाने की हमें नहीं जरूरत है ऐसे सिचुएशन में। सिंपली क्या करो, सबसे पहले पॉइंट जीरो मार्क कर लेंगे, जीरो से पहले मुझे पता है एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव है, और जीरो के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, फाइन। तो नेगेटिव का मतलब यहां पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और x की वैल्यू -3 से स्टार्ट होगी, तो मान लो यहां पे कोई पॉइंट x = -3 है, यहां पे 4 है, तो हमें सिर्फ इतने पोर्शन में एनालिसिस करना है fx का, इसका ग्राफ रफ ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करनी है। ठीक बात है, तो चेक करो x = -3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो -3 पे फंक्शन की वैल्यू इज गोइंग टू बी 9, तो मान लो ये वाला पॉइंट आ गया -3 = 9,
तो यहां से वैल्यू चलनी स्टार्ट होगी और माइनस थ्री से जीरो तक जैसे जैसे आप जाओगे, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो इसको डिक्रीज करवाते लेके आएंगे और जीरो तक डिक्रीज करेगा, और जीरो पे भी चेक कर लो कितनी वैल्यू आएगी, तो जीरो पे द वैल्यू इज जीरो, तो जीरो तक ये डिक्रीज करता जाएगा, तो यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये ग्राफ नहीं भी पता होगा तो भी ये रफ ग्राफ तो मैं बना ही सकता हूं कि माइनस थ्री से लेके जीरो तक डिक्रीज कर जाएगा, और जीरो के बाद जीरो से लेके फोर तक फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो इसको इंक्रीज करवा देते हैं। कहां तक इंक्रीज करेगा, चेक कर लो x = 4 पे कितनी वैल्यू है, तो 4 पे वैल्यू आएगी 16, तो मान लो ये वाला पॉइंट है 16, 4, 16, तो यहां तक इंक्रीज करेगा, तो इसको ऐसे इंक्रीज करवा देते हैं रफली। तो ये मेरे पास एक रफ ग्राफ बन गया y = fx का, यहां से देख के रेंज बताई जा सकती है क्या, तो बता सकते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी 16, सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम 0 टू 16। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रेंज। और हालांकि ये मुझे ऑलरेडी पता भी था, ये तो बड़ी बेसिक चीज है कि अगर x2 का फंक्शन है -3 से 4 तक जा रहा है तो रेंज कितनी होगी, 0 से 16 होगी, तो सेम रिजल्ट मिल रहा है यहां से भी। ठीक है जी, फाइन, तो यही सेम कांसेप्ट यूज करा जाएगा बाकी सारे क्वेश्चंस में भी, तो करते हैं ट्राई करके। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fx is equal to this, इसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, अब हो सकता है कि अभी तक हमने जितनी टेक्निक सीखी है उसमें से किसी टेक्निक से भी इसकी रेंज फाइंड करना पॉसिबल ना हो, तो जब भी कोई और टेक्निक नहीं काम आएगी तो डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं हमेशा। तो लेट अस सी, सबसे पहले तो थोड़ा डोमेन पे नजर मार लो, x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डोमेन के लिए 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड 1 + x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहां से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो इसका मतलब फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से लेकर 2 तक है। तो फंक्शन का जो भी एनालिसिस करा जाएगा सिर्फ इतने इंटरवल में करा जाएगा। ठीक बात है, तो ठीक है डिफरेंशिएट करते हैं इसको, देखना बेसिक डिफरेंशिएशन हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो f'x क्या बनेगा, ध्यान देना 2 - x का स्क्वायर रूट है, तो 2 - x के पावर 1/2, तो पावर रूट लग जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इनटू अंडर रूट ऑफ 2 - x मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ 2 - x दैट इज -1 चेन रूल से। तो ये फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव ये बना, सिमिलरली सेकंड वाली टर्म का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी दिस 1/2 रूट ऑफ 1 + x। ये आ गए मेरे f'x, अब हमें देखना पड़ेगा ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। ठीक बात है, तो f'x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लेते हैं, तो सपोज दिस इज ग्रेटर देन 0, लेट अस पुट दिस ग्रेटर देन 0, तो वहां से मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन वाला इंटरवल मिल जाएगा। तो सिंपलीफाई करो इसको, तो 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई करके, अब बाकी क्या बचा मेरे पास, 1/√1 + x -1/√2 - x, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 1/√1 + x इज ग्रेटर देन 1/√2 - x। दोनों साइड की क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सो दिस इज 1 + x लेस देन 2 - x। क्या मतलब मुझे यहां से 2x इज लेस देन 1, दैट मींस x इज लेस देन 1/2। तो ध्यान देना क्या पता चला हमें, जब भी x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी f'x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अब एक रफ ग्राफ प्लॉट करा जा सकता है, लेट अस सी। तो ये मेरी x एक्सिस, y एक्सिस नहीं भी बनाएंगे चल जाएगा, x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1/2 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो यहां पे x इज इक्वल टू 1/2, और फंक्शन की डोमेन क्या थी वो भी देख लो, -1 से 2 तक थी, तो मान लो यहां पे कहीं पे -1 है और यहां पे कहीं पे 2, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखना -1 से क्या देखा था हमने, 1/2 से कम में f'x पॉजिटिव आया था, यहां पे पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है बाकी जो इंटरवल बचा उसमें नेगेटिव रहा होगा, तो इसका मतलब इतने पोर्शन में हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और इतने इंटरवल में हमारा फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इतना आइडिया लग गया f'x की हेल्प से। ठीक है, तो -1 से फंक्शन का ग्राफ स्टार्ट करेंगे, इंक्रीज करता हुआ जाएगा, तो पहले चेक कर लो x = -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो ये मैन्युअली पुट करके देख सकते हैं, तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, यहां से यहां पे पुट करेंगे तो √3 हो जाएगा और यहां से कुछ 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है √3, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू -1, √3, दिस इज द पॉइंट ऑन द फंक्शन ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसके बाद इसको इंक्रीज करवा देते हैं, कहां तक इंक्रीज करेगा, 1/2 तक, तो 1/2 पे वैल्यू चेक करो कितनी आएगी, सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1/2
इसमें पुट कर देते हैं, 2 माइनस 1 बाई 2 इज 3 बाई 2 और ये ऑल्सो 3 बाई 2, सो दिस इज रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू रूट ऑफ 3 बाई 2, तो इसका मतलब 2 टाइम्स रूट 3 बाई रूट 2, सो दैट इज रूट 6, तो इस पे वैल्यू आ गई रूट 6, तो 1 बाई 2 पे इट इज रूट 6, तो इसको इंक्रीज करवा लूं मैं, मान लो ऐसे इंक्रीज करके, ठीक है, तो दिस पॉइंट इज 1 बाई 2 कॉमा रूट 6, ओके सॉरी दिस इज प्लस, ओके फाइन, ठीक है, तो 1 बाई 2 पे ये वैल्यू होगी, उसके बाद 1 बाई 2 से 2 तक फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीज करवा दो, 2 पे भी वैल्यू चेक कर लो एक बार, तो f ऑफ 2 कितना आएगा, f ऑफ 2 इज गोइंग टू बी 0 प्लस रूट 3, सो दिस इज रूट 3, ओके, सो दिस पॉइंट, यहाँ पे भी रूट 3 था, तो यहाँ पे भी 2 रूट 3 है, तो यहाँ पे अगेन दिस इज 2 कॉमा रूट 3, फंक्शन को करवा दो डिक्रीज, ये ऐसा कुछ डिक्रीज कर दिया मान लो इस पॉइंट, तो ये रफ ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको देख के रेंज बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं बड़े आराम से, मिनिमम वैल्यू कितनी रूट थ्री, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रूट सिक्स, सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम रूट थ्री टू रूट सिक्स, तो ये कंसेप्ट है, एक बार अगर मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पता चल गया किस पोर्शन में इंक्रीजिंग होगा किस में डिक्रीजिंग होगा, वी कैन ऑलवेज फाइंड द रेंज, ओके डन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द फंक्शन, इस इंटरवल में इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो अगेन लेट अस स्टार्ट विद फाइंडिंग एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा इसका, दिस इज 3 * 2 6 x स्क्वायर माइनस 30 x प्लस 36, करेक्ट, तो 6 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में वी हैव x स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 6, दो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 2 * x माइनस 3, तो अब यहां से देख के बता सकते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, ठीक है, तो फिर से एक्स एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, दिस इज माय एक्स एक्सिस, लेट अस सी डोमेन, देख लो क्या है 0 से लेकर 3 तक, तो सपोज दिस पॉइंट इज 0 एंड दिस पॉइंट इज 3, अब एफ डैश एक्स अपना साइन कहां पे चेंज करेगा, 2 पे करेगा और 3 पे करेगा, ठीक है, तो यहां पे मान लो कहीं पे 2 है, तो बता सकते हैं देखो अगर एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक होगी तो उस केस में ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इफ x lies between 2 to 3 उस केस में दिस वैल्यू इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 0 से 2 तक है उस केस में ये भी नेगेटिव तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो पता चल गया 0 से 3 जो हमारी डोमेन थी उसमें इतने इंटरवल में फंक्शन कैसा रहा होगा, इतने इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और बाकी इंटरवल में डिक्रीजिंग, ठीक है डन, तो बस अब रफ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, अगेन 0 पे वैल्यू चेक कर लो कितनी आएगी, तो f ऑफ 0 यहां पे देख लेते हैं, f ऑफ 0 कितना डायरेक्टली 1 आ जाएगा, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो दिस पॉइंट इज लेट अस से 0, 1, ओके, इसके बाद क्या करेगा ये इंक्रीज करेगा, तो 2 तक इंक्रीज करेगा, 2 पे भी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी आपको, तो फाइंड करो f ऑफ 2, f ऑफ 2 कितना 2 टाइम्स 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 15 * 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 36 into 2 is 72 प्लस 1 ये बनेगा, सो दिस इज व्हाट 16 16 प्लस 72 दिस इज 88 89 89 माइनस 60 इज 29 सो दिस वैल्यू इज 29 तो यहां तक इंक्रीज कर गया मान लो ऐसे इंक्रीज कर रहे हालांकि ऐसे भी इंक्रीज कर सकता था ठीक है तो हमें ज्यादा मतलब नहीं है कि कैसे इंक्रीज कर रहे हैं हमें बस इस वैल्यू से मतलब है कि कहां तक जा रही है मैक्सिमम वैल्यू तो दिस पॉइंट इज 2, 29 ये पता चला उसके बाद 2 से 3 के बीच में डिक्रीज करेगा तो 3 पे भी चेक कर लो कितनी वैल्यू आएगी सो f ऑफ 3 अगर मैं फाइंड करूंगा सो दिस इज 2 टाइम्स 3 का क्यूब दैट इज 27 माइनस 15 टाइम्स 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 36 * 3 दैट इज 108 प्लस 1 ठीक है कितना बन रहा है ये दिस इज 54 दिस इज 55 दिस इज 163 सो 163 माइनस 135 या सो दिस इज 28 यहां पे इसकी वैल्यू 28 आ रही है सो 3 पे द वैल्यू इज 28 तो ये ग्राफ हम वैसे है सो दिस पॉइंट इज 3, 28 इतना ग्राफ बन गया 0 से 3 के बीच में तो मिनिमम वैल्यू कितनी नजर आ रही है हमें 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी 29 सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम 1 टू 29 दैट्स इट ओके डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं fx is equal to this रेंज फाइंड करनी है
एक्स कैन बी एनी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. तो स्टार्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड करो इसका. एफ डैश एक्स इज कितना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बनेगा. एंड माइनस cos x का डेरिवेटिव इज प्लस sin x. सो दिस इज माय एफ डैश एक्स. फाइन, ठीक है. तो माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा कितना हमारे पास 2x माइनस x इनटू cos x बचा. ओके, और इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 2 माइनस cos x ओनली. So this is equal to x into 2 minus cos x. This is my f dash x. इसको देखना पड़ेगा positive कब होगा, negative कब होगा. तो बताया जा सकता है, I guess, क्योंकि 2 minus cos x वाला number तो हमेशा positive ही होगा ना. Cos x की जो range होती है वो minus 1 से 1 होती है, तो इसकी value तो हमेशा positive आएगी. तो depend किस पे करेगा, सिर्फ x पे depend करेगा. अगर x negative है तो ये भी negative हो जाएगा, x positive तो ये भी positive. तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो f dash x पॉजिटिव होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो f dash x नेगेटिव होगा. तो पता चला इतने पार्ट में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इतने पार्ट में इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, तो अगेन एक रफ ग्राफ प्लॉट करा जा सकता है. सो इफ दिस इज द x एक्सिस, तो सिर्फ 0 पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, लेट अस से दिस इज 0. फाइन, तो क्या होगा, जीरो से पहले फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीज करता हुआ आएगा. कहां से डिक्रीज करता हुआ आएगा, एक्स माइनस इंफिनिटी से. तो एक बार चेक कर लो कि जब एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी ऑफ एफ एक्स. समझ रहे हो ये बात, जीरो तक ये डिक्रीज करता हुआ आएगा. तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां से मैक्सिमम वैल्यू कहां से डिक्रीज करता हुआ आएगा, तो चेक करना पड़ेगा जब एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे रही होगी. तो इसमें चेक करो, पुट करके देखो. तो दिस इज, यहाँ पे x को इनफिनिटी पुट करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज क्या कर रहे हैं ना, इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज x into x minus sin x minus cos x, ये चीज है. ओके, और लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इनफिनिटी है, तो x को अगर मैं माइनस इनफिनिटी रखूंगा तो देखना क्या होगा, ये माइनस इनफिनिटी बना, इसकी वैल्यू भी माइनस इनफिनिटी है, और sin x तो क्या है, छोटा सा नंबर है माइनस वन से वन के बीच में, तो माइनस इंफिनिटी से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा. और cos x अगेन बड़ा छोटा सा नंबर है माइनस वन से वन, तो माइनस इंफिनिटी इनटू माइनस इंफिनिटी इज गोइंग टू बी प्लस इंफिनिटी, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो प्लस इंफिनिटी आ रही है. तो अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट होती हुई आएगी, मान लीजिए यहां पे. ठीक है, सिमिलरली 0 तक तो डिक्रीज करेगा, 0 पे चेक करो कितनी वैल्यू आएगी, तो f ऑफ 0 0 0 माइनस 1, इस पे वैल्यू माइनस 1 आएगी, तो 0 पे द वैल्यू इज माइनस 1, तो पॉइंट कहां पे आएगा, x एक्सिस के नीचे आएगा कहीं पे 0 कॉमा माइनस 1. यहां तक तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. लेट अस से दिस इज द फंक्शन. फाइन, उसके बाद इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज कहां तक करेगा, जब तक x की वैल्यू इंफिनिटी होगी. तो फिर से तुम चेक कर सकते हो कि x is equal to infinity पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, और अगेन सिमिलर सी चीज बनेगी, क्योंकि हमने इससे फैक्टर्स बनाए थे x into x minus sin x और minus cos x का हमारे पास. तो अगर x इंफिनिटी होगा तो ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी, ये छोटा सा नंबर माइनस वन टू वन, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी. तो इंफिनिटी तक जाएगा इंक्रीज करता हो तो इट इज लाइक. फाइन, तो ये कभी खत्म नहीं होगी, ऊपर तक चला जाएगा इंफिनिटी. तो ये रफ ग्राफ बन गया y is equal to fx का. यहां से देख के रेंज बताई जा सकती है, मिनिमम वैल्यू y की माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी. सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम माइनस वन टू इंफिनिटी. ठीक है जी, डन. हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to this, रेंज फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शंस वाले वीडियो में करा था. ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक करके, तो वो एक टेक्निक है, बट इसको डिफरेंशिएशन से भी करा जा सकता है. तो देख लेते हैं. स्टेप नंबर वन, हमेशा क्या होगा, मोड वाला फंक्शन है, दो केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा. सो दिस fx कैन बी रिटन एज, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x व्हेनेवर x इज अ पॉजिटिव नंबर एंड x अपॉन 1 माइनस x व्हेनेवर x इज अ नेगेटिव नंबर. तो दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया. तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. ठीक है, तो करेंगे क्या ना, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे. तो जो मेरा नया फंक्शन f dash x वाला फंक्शन आएगा, वो देख लो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा. यहां पे साइड पे देख लेते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 1 प्लस x,
तो क्लियरली इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा मुझे. सो दिस इज इक्वल टू नीचे कितना आएगा 1 + x का होल स्क्वायर और ऊपर कितना 1 + x * 1 - x * 1. सो दिस इज कमिंग आउट एज 1 / 1 + x का होल स्क्वायर. ये डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का. तो ये 1 / 1 + x का होल स्क्वायर बन रहा है व्हेनेवर x इज अ पॉजिटिव नंबर. और इस केस में x / 1 - x इसका भी डेरिवेटिव देख सकते हैं कितना होगा. तो दिस इज अगेन कोशेंट रूल से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो इसका डेरिवेटिव यहां पे पुट कर देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर व्हेनेवर एक्स इज अ नेगेटिव नंबर. ओके डन. तो क्या पता चल रहा है यहां से हमें. सो दिस इज जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तब ये पॉजिटिव होगा. f dash x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. और जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब भी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब भी ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. तो कैन वी से दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी और नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी. ठीक बात है. तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ओके तो 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, f of 0 is equal to 0, right? अब मुझे पता है 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएंगे ना तो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलनी चाहिए, इंफिनिटी पे. तो हमें देखना पड़ेगा अगर x की वैल्यू इंफिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है. तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ f(x) ये बात ठीक है. 0 से इंफिनिटी तक x की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी. तो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए इंफिनिटी पे. तो फाइंड करना पड़ेगा जब x की वैल्यू इंफिनिटी f(x) की वैल्यू कितनी आ रही है. तो अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया. ऐसी लिमिट को सॉल्व करना हमें आता है. x इंफिनिटी है, पॉजिटिव नंबर है तो मोड x को x से रिप्लेस करा जा सकता है. तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x / 1 + x. अब इसको अगर मैं x से डिवाइड करवा दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो इट इज गोइंग टू बी कितना 1 / 1 + 1 / x वेयर x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. तो x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा नंबर 0 को अप्रोच कर जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो मतलब जब x की वैल्यू इंफिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी. एंड इन द सिमिलर वे एंड सिमिलरली जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी ऑफ f(x) तो फिर से अगर सेम लॉजिक से फाइंड करा जाएगा तो ये माइनस 1 आ जाएगी. ठीक बात है. तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है और मिनिमम माइनस 1 तक जा सकती है. तो अगर यहां पे मैं लेट अस से y एक्सिस भी प्लॉट कर लूं ना तो ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वाली लाइन है y is equal to 1 वाली, इससे ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ. और ये लाइन है y is equal to minus 1 वाली, इससे नीचे नहीं जाएगा. तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0 के बाद इंक्रीज करेगा और पहले भी इंक्रीज करेगा. सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और नीचे बन जाएगा कुछ ऐसा. अगेन हालांकि ज्यादा मतलब हमें है ये ग्राफ की शेप से, बट इतना आइडिया लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखेगी, 1 पे दिखेगी और मिनिमम वैल्यू कितनी, माइनस 1. और एग्जैक्टली 1 कभी नहीं होगी, एग्जैक्टली माइनस 1 कभी नहीं होगी. सो द रेंज इज माइनस 1. ओके तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया. जो हमने पहले मेथड सीखा था रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन वो वाला कांसेप्ट ज्यादा इजी था इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. ठीक है. बट अगर इतनी बेसिक चीजें हमें आती हैं, लिमिट फाइंड करनी हमें आती है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फाइंड की जा सकती है आराम से. हां जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. fx is equal to this, इसकी रेंज फाइंड करनी है. डोमेन इज गिवन एज 1 2 3. तो ये जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है. इस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x के लिए रेंज फाइंड करनी है इसकी. तो ध्यान देना क्या करेंगे. पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है तो केसेस बनाने पड़ेंगे, फंक्शन को रीडिफाइन करके लिखना पड़ेगा. तो कितने केसेस बनने चाहिए, x क्योंकि 1 से लेके 3 तक है तो दो केसेस बनेंगे जब x 1 से 2 के बीच में है पहला केस, और सेकंड केस जब x 2 से लेके 3 के बीच में है. तो देखना है इसको रीडिफाइन कर रहे हैं. सो fx इज इक्वल टू, अगर तो x 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो फंक्शन कितना बनेगा, x / 1 + x² when x belongs to 1 to 2. और दूसरा केस अगर x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी. सो द फंक्शन इज गोइंग टू बी 2x / 1 + x² x belongs to 2 to 3. ये मेरा फंक्शन हो गया, रीडिफाइन कर दिया हमने. अब इसकी रेंज फाइंड करने के लिए मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या बनेगा. सो द डेरिवेटिव ऑफ x / 1 + x² अगर हम फाइंड करें
तो क्वेश्चन रूल से इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में कितना 1 प्लस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x इनटू 2x. सो दिस इज कमिंग आउट एज 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर. ये डेरिवेटिव आ गया, तो इसका मतलब जो मेरा f'x का फंक्शन आएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू 1 टू 2. और इसको भी डिफरेंशिएट करने की दोबारा से जरूरत है नहीं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा. सो 2 टाइम्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 2 टू 3, 2 पे क्लोज है यहां पे. अब इसको देखना ध्यान से, डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट केस के लिए भी सेकंड केस के लिए. अब केस 1 को कंसीडर करते हैं सिर्फ. केस 1 में ये f'x है, तो चेक करो अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होगी तो 1 माइनस x स्क्वायर कैसा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, और ये तो पॉजिटिव है ये, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर इज नेगेटिव नंबर. सो दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो 1 से लेकर 2 तक फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, या तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, 2 तक डिक्रीज करते हुए आएगी. तो 1 से 2 तक इसकी जो रेंज आएगी वो कैसी आएगी, सबसे पहले x को 1 पुट करा जाएगा वहां से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और उसके बाद 2 पुट करा जाएगा वहां से मिनिमम वैल्यू आएगी. सो यहां से द रेंज शुड बी फ्रॉम f ऑफ 2 से लेके f ऑफ 1. तो 2 पे चेक करो कितनी वैल्यू आएगी, 2 अपॉन 5 आएगी, तो द वैल्यू इज 2 बाय 5 यहां से. और 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, 1 बाय 2 आएगी, तो 1 बाय 2. तो ये बात सही है क्या, तो क्योंकि 1 से लेकर 2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो डिक्रीज करता हुआ अगर आएगा तो 2 पे मिनिमम वैल्यू, 1 पे मैक्सिमम वैल्यू, 2 पे वैल्यू इतनी आ रही है, 1 पे इतनी आ रही है, तो केस नंबर 1 के कोरिस्पोंडिंग तो जो फंक्शन की रेंज आएगी वो ये आएगी. एंड कमिंग टू केस नंबर 2, x की वैल्यू अगर 2 से 3 है, अगेन ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इस केस में भी जो फंक्शन होगा f(x) होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो इसका मतलब इन इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन के लिए भी जो रेंज आएगी 2 से लेकर 3 तक, क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं, तो 3 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, 2 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी. ठीक है, तो f of 3 की वैल्यू देख लो, f of 3 कितना, 6/10, 6/10 इज 3/5, सो दिस इज 3/5 से लेके 2 पे मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 पे कितना आएगा, 4/5, 3 पे ओपन है तो यहां पे ओपन, 2 पे क्लोज है तो यहां पे क्लोज. तो केस 1 के कोरिस्पोंडिंग दिस इज द रेंज, एंड केस 2 के कोरिस्पोंडिंग दिस इज द रेंज. सो नेट रेंज कितनी होगी, दोनों का यूनिट कर दिया जाएगा. सो द कंप्लीट रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम 2/5 से लेके 1/2 एंड यूनियन दिस 3/5 से लेके 4/5. ठीक बात है, तो अगर तुम इसको ग्राफ पे अगर लेट अस से प्लॉट करना चाहो तो क्या होगा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो 1 से 2 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, 2/5 से लेके 1/2, तो इट इज गोइंग टू बी दिस 1 पे इसकी वैल्यू, इट इज दिस 1 से लेके 2 तक डिक्रीज कर रहा था, ये वाली वैल्यू कितनी है 1/2, ये वाली वैल्यू 2/5, और उसके बाद जैसे ही एग्जैक्टली 2 इसकी वैल्यू हुई तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी 4/5, तो 2 पे इसकी वैल्यू इज 4/5, और 2 से 3 तक फिर से डिक्रीज कर रहा है, और कहां तक जा रहा है, 3/5 तक जा रहा है. सो दिस पॉइंट इज 3/5. सो दिस इज द रफ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y = f(x). ठीक है जी, फाइन. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. f(x) = दिस रेंज फाइंड करनी है इसकी. सबसे पहले अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन तो बताई जा सकती है, x पॉजिटिव नंबर होना चाहिए तभी lnx वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, और ln x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1. तो ये तो फंक्शन की डोमेन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए रेंज देखनी है हमें, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो f'x इज गोइंग टू बी कितना, क्वोशेंट रूल लगाएंगे तो ln x का स्क्वायर ऊपर कितना ln x * 1 - x * 1/x. सो f'x इज कमिंग आउट एज ln x - 1 अपॉन ln x का स्क्वायर. तो हमें चेक करना है कहां पे f'x पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लेते हैं. तो अगर ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो ये उस साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ln x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन e. तो मुझे क्या पता चला कि जो फंक्शन होगा ना वो e से बड़ी वैल्यूज के लिए तो इंक्रीजिंग होगा, f'x पॉजिटिव होगा, और छोटे के लिए नेगेटिव होगा, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. ठीक है,
ठीक है, इतना आइडिया लग गया। अब इसका रफ ग्राफ प्लॉट करने के ट्राई करते हैं, ध्यान देना। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट है ई, जहां पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट थोड़ी सी और चीजों का ध्यान रखा जाएगा, इसमें डायरेक्टली ग्राफ नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले x should be positive, तो यहाँ पे x is equal to 0 है, लेट अस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और 1 पे ये वाला पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट, x is equal to 1 पे ये अनडिफाइंड है, तो मान लो यहाँ पे अगर पॉइंट 1 है ना, तो 1 पे फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो 1 पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट। तो अब होगा क्या, 0 से e तक पहली बात तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो सबसे पहले 0 पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी फंक्शन की, तो 0 पे वैल्यू चेक करते हैं। अब एग्जैक्ट 0 तो पुट कर नहीं सकते, तो 0 पे लिमिट चेक करनी पड़ेगी इसकी, तो लेट मी राइट हियर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ f(x) या तो x को अगर 0 पुट करेंगे तो होगा क्या, ये ऊपर वाला नंबर तो 0 को अप्रोच कर जाएगा, और ln 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफिनिटी, ये माइनस इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 0 अपॉन माइनस इनफिनिटी 0 होंगे, तो इसका मतलब 0 पे इसकी वैल्यू 0 रही होगी, ठीक बात है, बट क्योंकि एग्जैक्ट 0 होना अलाउड नहीं है, तो ओपन इंटरवल 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। तो हमें पता है 0 से 1 तक अगर जाओगे तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, 0 से e तक डिक्रीज करने, तो 0 से 1 तक डिक्रीज करेगा। 1 पे क्या होगा, एग्जैक्टली 1 पे तो डिफाइंड है नहीं है, बट अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 थोड़ा सा छोटा, तो होगा क्या, x अपॉन ln x है, तो इसकी वैल्यू तो 1 को अप्रोच कर रही है, बट ln 1 की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी नेगेटिव साइड से, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस इनफिनिटी आएगा। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होगी, y की वैल्यू माइनस इनफिनिटी आ जाएगी, तो ये जो फंक्शन बनेगा हमारा डिक्रीज करता हुआ, वो कुछ ऐसे दिखेगा, माइनस इनफिनिटी को जा रहा है डिक्रीज करता हुआ। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी इंक्रीज करोगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस पे देख लो, सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x अपॉन ln x, उसमें क्या होगा, x की वैल्यू अभी भी 1 को अप्रोच कर रही है, बट ln x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो द कंप्लीट रिजल्ट विल बी इंफिनिटी। तो x इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा बड़ा करोगे तो ये इंफिनिटी पे आ जाएगा डायरेक्टली, और मुझे पता है उसके बाद 1 से लेके e तक फिर से डिक्रीज करेगा ये, इट विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस, e तक डिक्रीज कर गया, e पे चेक कर लो कितनी वैल्यू आएगी फंक्शन की, तो f of e अगर हम फाइंड करेंगे, it is going to be e upon ln e, yeah, so f of e is e upon ln e, that is equal to e only, तो e पे फंक्शन की वैल्यू e है, यहाँ से डिक्रीज करता हुआ आ गया, so this point is e comma e, और e के बाद मुझे पता है फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कहाँ तक, इनफिनिटी तक, तो ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू अगर इनफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो f(x) की वैल्यू कौन जाएगी, सो लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी x अपॉन ln x, ये लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, कौन सी फॉर्म है, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी वाली फॉर्म है, तो l हॉस्पिटल रूल का यूज करा जा सकता है, सो दिस इज 1 बाय x, सॉरी दिस इज 1 अपॉन 1 बाय x, तो ये कितना आ गया, इनफिनिटी आ गई, तो जब x की वैल्यू इनफिनिटी जा रही है तो y की वैल्यू भी इनफिनिटी पे जाएगी, इट इज लाइक दिस। ये कुछ रफ ग्राफ बन गया, ठीक बात है। तो हमें तो क्या करना था, रेंज बतानी थी, तो रेंज के लिए मिनिमम वैल्यू माइनस इनफिनिटी, सो माइनस इनफिनिटी से 0 तक जा रहा है और e से लेके इनफिनिटी तक, सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, सो रेंज इज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी से 0, 0 पे ओपन, यूनियन e से इनफिनिटी। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जनरली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में करे जाते हैं, ठीक है, बट अगर हमें लिमिट्स का थोड़ा सा आइडिया है तो इसको करा जा सकता है आराम से, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन यूजिंग द डेरिवेटिव्स। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है, रेंज ऑफ द फंक्शन, ओके।